क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें आपको जो पहले वैसे पता है तो बतानी जरूरी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, क्रेडिटर्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स। इसके बारे में सुन लें, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर ही हो, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही हो, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो गिवन होती है, फिक्स्ड एसेट्स जो गिवन होते हैं वो कॉस्ट पे होते हैं। अगर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर का सवाल से बाहर हो तो फिर ये बुक वैल्यू होती है। इस बात का आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के साथ ही हो तो जो फिक्स एसेट की वैल्यू गिवन होगी वो कॉस्ट होगी। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या हो ही ना या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाहर हो तो फिर वो हमेशा बुक वैल्यू गिवन होगी उनकी, वो कॉस्ट। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? मतलब उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होके आई हुई है। जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की ये गिवन है, अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो इसको जाकर ऊपर बुक वैल्यू में एड बैक कर दें, कॉस्ट भी आ जाएगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाहर होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या होगी ही नहीं तो जो फिक्स एसेट्स की वैल्यूज होंगी वो बुक वैल्यू होगी। ये बात आपने याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड ट्रेड डेट्स, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसने खुद बता दिया। इसके बारे में भी वही बात है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी तो डेटर्स नेट होंगे, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स साथ गिवन होगी तो डेटर्स ग्रॉस होंगे। बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाहर गिवन होगी, जैसे यहां पर देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाहर है तो जो डेटर्स की वैल्यू है फिर ये नेट है। अगर प्रोविजन, जैसे पिछले दो सवालों में प्रोविजन और डेटर साथ साथ थे तो तब जो डेटर्स की वैल्यू थी वो ग्रॉस थी। ठीक होगी बात। फिर आगे सिंपल प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब साथ साथ करना है आपने। प्रॉफिट फॉर द ईयर 3161, मोहम्मद अली विदड्रॉ 3120 ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको बता दी गई। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बता दिया गया। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट कॉस्टिंग 1500,000 विद द बुक वैल्यू 860,000 वर सोल्ड फॉर पीज। क्या यहां से आपको गेन या लॉस पता चल सकता है डिस्पोजल का? 867,000 वाला एसेट 1282 का बेचा तो बताओ कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी गेन या लॉस? गेन ऑन डिस्पोजल। कैसे आएगा गेन ऑन डिस्पोजल? 867,000 वाला एसेट 1284,000 का बेच रहे हो, गेन हो रहा है या लॉस? अगर कुछ भी ना पता चले तो आप डिस्पोजल का लेजर बना लिया करो। डिस्पोजल के लेजर से आपको दो चीजें मिल सकती हैं, एक गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल और दूसरा कैश फ्रॉम डिस्पोजल। इस डिस्पोजल को आपको याद होगा कि इस साइड पर कॉस्ट आती है, इस साइड पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है, इस साइड पे कैश, फिर इस साइड पे गेन, और लॉस होगा तो इस साइड। आज के पहले मैं नोट्स बता दूं कि आज हमने जो मेन टारगेट है हमारा, किन नोट्सों की तैयारी का है, वो आज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, या क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, अगर गिवन होगी तो चेक करना क्या वर्किंग कर सकते हैं उसकी।
अगर वर्किंग भी पॉसिबल नहीं है तो क्या देखो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बन पा रहा है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर कब बनता है? जब आपके लेजर कॉस्ट पे हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर कब बनता है? जब आपके लेजर कॉस्ट पे हो। अब मुझे बताएं, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन ना जाए तो फिर कौन सा ऐसा लेजर होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट चली जाती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बन रहा तो फिर डेप्रिसिएशन किस लेजर में जाती है? एसेट के अकाउंट में। और तब वो किस पे बन रहा होता है? बुक वैल्यू। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, या गिवन होगी या वर्किंग कर लेंगे। पता है वर्किंग का कैसे करते हैं? ब्रॉड और माइनस डिस्पोजल, फिर एडिशन और डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेना, और अगर वर्किंग ही पॉसिबल नहीं है तो लेजर बना लेना। लेजर दो टाइप के बन सकते हैं। अगर सवाल के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है तो फिर कॉस्ट पे अकाउंट्स बनेंगे। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं है तो फिर बुक वैल्यू पे अकाउंट्स बनेंगे। ये आइए 16 वाला लेजर। वर्किंग आपको आती है, गिवन हो तो वो सवाल के अंदर देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर में क्या क्या हो सकता है? ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर इलिमिनेशन वाली, डिस्पोजल, फिर पीपीई। ये पीपी कौन सी वाली है? इलिमिनेशन वाली। इलिमिनेशन का मतलब क्या है? और रिवैल्यूएशन सरप्लस जब आता है तो पहले हम एक एंट्री नहीं पास करते हैं अक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट पीपीई कर, ये वो वाली एंट्री है। उसके बाद अगर कुछ रह जाए तो वो डेप्रिसिएशन आएगी। इस सवाल के अंदर मैं ये भी बताता जाता हूं, या आप लोग डेप्रिसिएशन फाइंड किया करोगे पहला नंबर, अगर ये गिवन होगी तो कभी कभी हमें ये भी फाइंड करना पड़ सकता है। यानी इस लेजर से, इस लेजर को बना के हमें दो वैल्यूज मिल सकती हैं। डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो पहला नंबर उसका, अगर डेप्रिसिएशन फाइंड हो गई तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ जाए। फिर पीपी का लेजर बना देंगे बुक वैल्यू। अच्छा, ये दूसरी जगह भी इस्तेमाल होना है तो इधर ही आपने देख लेना है, दो जगह पे इस्तेमाल होता है। यहां पर इसका ब्रॉड ऑन आ जाएगा। ब्रॉड ऑन की कौन सी वैल्यू आएगी भला? बुक वैल्यू, क्योंकि आप अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना रहे हो। कैरी डाउन, उसकी भी बुक वैल्यू। उसके बाद अगर कोई एसेट बेचा तो क्रेडिट, अगर एसेट खरीदा तो डेबिट। ठीक है, क्लोज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात। तो ये डेप्रिसिएशन वाला मामला कंप्लीट हो गया। चार तरह से मसला हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन गिवन होगी या फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करने का तरीका है? वर्किंग करके, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना के, या एट द एंड अगर कुछ नहीं पॉसिबल तो एसेट्स का बुक वैल्यू पे लेजर बना, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ये होगी वर्किंग नंबर वन। वर्किंग नंबर टू, मतलब नोट नंबर टू जो भी है नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन
अबाउट नॉन करंट एसेट्स इज गिवन. क्या मतलब है? अगर किसी भी नॉन करंट एसेट की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट्स बनाएंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज लेंगे. अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो लेजर बनाएंगे. लेजर बनाना आता है पीपीई का? कौन बनवाएगा पीपीई का लेजर? कौन बनवाएगा? रोना नहीं है. हाँ जी, ब्रॉडन कितना आएगा? अच्छा, मैं जो पीपी का लेजर बना रहा हूं किस पे बना रहा हूं? आज तक आपने जितने भी लेजर पीपी के देखे होंगे ना, वो बस छोटे से ही होंगे, सस्ते से. महंगा लेजर आज बन रहा है ब्रॉड ऑन, उसकी कॉस्ट. अगर कोई एसेट खरीदा है लेकिन उधार पे खरीदा है तो पेएबल के नाम से आ जाएगा. अगर एसेट खरीदा है एक्सचेंज के केस में तो एक्सचेंज के केस में आ जाएगा. अगर आपका कैश से डेबिट हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस के केस में तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा. अगर आपके एसेट की कीमत ओनर ने दी है तो किस नाम से आएगा? कैपिटल के नाम से आ जाएगा. ये आईकैप शरारतें करता है ऐसी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो के अंदर अभी तक जितने भी मैंने ऐसे लिखे हैं इनमें से किसी में भी कैश फ्लो नहीं है. चेक करके देख लो. उधार पे खरीदा, नो कैश आउटफ्लो. एक्सचेंज किया, हाँ एक्सचेंज के बदले कैश इन या आउट हो सकता है थोड़ा सा. एक्सचेंज के केस में कैश इन या आउट हो सकता है, उसको इधर लिख देंगे नए एसेट की कॉस्ट, उसको अलग से डील करेंगे कि कैश पेड फॉर एक्सचेंज या कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्सचेंज, वो अलग से लिखे. फिर आगे देखें रिवेल्यूशन सरप्लस, क्या कोई कैश इन आउट हुआ? फिर कैपिटल का मतलब क्या लिखा हुआ भला? पीपी डेबिट कैपिटल क्रेडिट. ऑनर लेकर आया एसेट, मतलब आपके एसेट में कोई चेंज अभी तक कोई कैश फ्लो नहीं हुआ. चेंज आया है लेकिन कैश फ्लो नहीं हुआ. फिर उसके बाद डिस्पोजल. डिस्पोजल एक तो हो गया ना सीधा सीधा साफ सुथरा डिस्पोजल, एक हो गया एक्सचेंज वाला डिस्पोजल, एक हो गया रिवैल्यूएशन लॉस, एक हो गया इंपेयरमेंट लॉस. ठीक होगी बात? चले जी, उसके बाद हमने करना है क्लोज. जी एलिमिनेशन वाला भी आएगा, वो किस नाम से आता है? एक्युमुलेटेड ऑप्शन के नाम से. मतलब वो सारी चीजें जिस वजह से आपका एसेट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो यहां पे आएगा. एलिमिनेशन क्लोज कर देंगे. इसके बावजूद भी अगर डेबिट साइड पर कैश आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इस कैश का मतलब बताएं मानो, इस कैश का मतलब क्या? कैश जो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या? जी डेबिट साइड पर जो कैश लिखा हुआ है इसका मतलब बता दें. अच्छा किस चीज की? अच्छा मैं आपको एक ना मजे की ट्रिक बताता हूं. इधर देखे सारे, जब कभी जिंदगी में क्लास में आप सो रहे हो और अचानक टीचर आपसे सवाल पूछे, अपना एक कॉन्फिडेंस बाहर रखना, अपने हवास बाहर रखने, परेशानियों ना बल्कि इस तरह से डिठाई के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आपने देखने. हाँ जी पूछा क्या है? मैंने क्या पूछा जी? कैश का मतलब क्या? तो परेशान हो कि पता नहीं सर क्या पूछ रहे. सिंपल देखें, उसकी एंट्री पास कर रहे.
क्या एंट्री बन रही है? पीपी टू कैश। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कोई नया एसेट कैश पे खरीदा है, परेशानी की जरूरत नहीं है। सिंपल अकाउंटिंग के अंदर आप उसकी एंट्री बना दें, तो जो एंट्री उसकी बन रहेगी वही उसका मतलब होगा। अब आप देखें, इन सब में पीपीई डेबिट हो रहा है, लेकिन इसको मैं खास इंपोर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये दैट इज द कैश आउटफ्लो, ये है परचेज ऑफ पीपीई ऑन कैश। बाकी परचेज ऑफ पीपीई है, एडिशन ऑफ पीपीई है, बट ऑन कैश हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे सवाल के अंदर अगर हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो कैश है, बाकी चीजें होंगी तो लिखेंगे, नहीं होंगी तो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा मेन टारगेट होगा। एक दूसरा, कभी जिंदगी में डिस्पोजल नहीं गिवन होगा, बाकी अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो वो फाइंड होगी। लेकिन 99% अगर पीपी का लेजर बनता है तो उसमें से क्या फाइंड होता है? कैश पे जो एसेट खरीदा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपने अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बनाने हैं, तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन और डिस्पोजल आ जाएंगे बुक वैल्यू पे, और एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट इसके अंदर आ जाएगी। तो अगर बुक वैल्यू पे बनाओगे तो ये सेम है, मैं सिर्फ रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर बुक वैल्यू पे बनाएंगे तो यहां बुक वैल्यू आ जाएगी, यहां इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, कैरिड ऑन की भी बुक वैल्यू आ जाएगी, और एक चीज यहां पर क्या चीज आ जाएगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बाकी सेम ले जाना, क्योंकि एडिशन पे चाहे बुक वैल्यू पे हो अकाउंट्स, चाहे कॉस्ट पे हो, एडिशन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक होगी बात, ये लेजर आयदा बन जाया करेगा। मुझे बताओ अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर कब बनाया जाता? जब गिवन या फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज बुक वैल्यू पे अकाउंट्स बनाया जाता। ठीक होगी बात। अगर कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको लेजर बनाना पड़ जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेम लेजर होता है, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, जितनी सेल की, जितनी खरीदी कैश के नाम से और जितनी बेची कॉस्ट के नाम से, जितनी खरीदी कैश के नाम से, जितनी बेची कॉस्ट के नाम से। कॉस्ट का मतलब क्या है? जितनी वाली इन्वेस्टमेंट, मतलब 500 वाली इन्वेस्टमेंट बेची, 700 वाली इन्वेस्टमेंट बेची, 800 वाली इन्वेस्टमेंट बेची, उसकी कॉस्ट आएगी। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अलावा कभी कोई चीज नहीं आई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाना आता है, अगर वो ये कॉस्ट मॉडल पे तो सेम लेजर, अगर वो फेयर वैल्यू पे तो फिर ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, डिस्पोजल, फेयर वैल्यू गेन और इधर फेयर वैल्यू लॉस। अगर इसके अलावा डिफरेंस आएगा तो वो होगा कि कैश पे हमने नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर जब कभी फेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा तो ये भी हो सकती है उसमें। ओके की बात। चलें जी, सवाल करते हैं, आज की बातें कंप्लीट होंगी, आज की बातें कंप्लीट। अब हमने करना है सवाल। आज की बातों से मुराद है कि इस क्लास की, अगली क्लास में नई बातें करेंगे। कैपिटल आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किधर जाएगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस किधर जाएगा? कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? ट्रेड क्रेडिटर्स कौन सी एक्टिविटी है? क्रेडिटर्स। वर्किंग कैपिटल कह दिया। तो अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तीन सेगमेंट है, एक एडजस्टमेंट वाला,
एक वर्किंग कैपिटल वाला और एक बाद में। अब आगे आ जाए फिक्स एसेट्स, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में ले जाते हैं। डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड बैंक बैलेंस, खत्म। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और नीचे ड्यूरिंग द ईयर एसेट बेचा भी है। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर वन, अक्यूमुलेटेड एक्शन के लेटर बनाकर मुझे ना डेप्शन फॉर द ईयर फाइंड करके। ये सवाल आपके पास गिवन है, मैं पॉइंट बता देता हूं कि ये तीन पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जल्दी करें, अपने कैलकुलेटर निकालें और बुक्स भी निकालें, सवाल आप मेरे साथ साथ करें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं और मुझे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करके दो। टाइम ही लगना चाहिए। इसकी कितनी एक्यूमुलेट एक्शन कितनी आ रही है डिस्पोजल की? हाँ जी, पहले चेक करें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जो जो चीजें आते हैं अपने सवाल से ढूंढ लो। ब्रॉड और कैश ऑन गिवन है, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट भी बताई हुई है, उसकी बुक वैल्यू भी बताई हुई है। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट भी बताई हुई थी, उसकी बुक वैल्यू भी बताई हुई है। उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाया, यहां से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। कितनी डेक्शन आई? 249,800। हाँ जी, ये बात आपको समझ लगी? अब आपने आइडिया लेते जाना है कि कौन सी बात आपको पिक कर रहे हो या कौन सी नहीं। उसके बाद गेन या लॉस भी हमें आ गया पता। कैसे पता चलता है? या डिस्पोजल का लेजर बना लो या बुक वैल्यू और कैश को कंपेयर कर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं बताई सवाल के अंदर, तो सवाल हमारा शुरू हो गया। सबसे पहले नाम लिखेंगे कंपनी का, नाम जो होगा, फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फिर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। कितना है ईयर एंड? 30 जून 2015। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना? 3161000, 3161, 3161000। उसके बाद ऐड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितनी डेप्रिसिएशन फाइंड की है? आपने उसका वर्किंग का रेफरेंस भी देना है। सवाल के बाद वर्किंग कर रहे होंगे ना, वर्किंग नंबर वन, वर्किंग नंबर टू, सब वर्किंग का, फिर जो वैल्यू आपने अपने सॉल्यूशन में पुट करनी है उसका वर्किंग का रेफरेंस देना जरूरी है। 298, 2498, गेन और डिस्पोजल भी है वो लेस कर देंगे। कितना? 4 लाख। अगर जिस बंदे को कोई बात ना समझ लगी कि ये वैल्यू कहां से आई, वो पूछ लेना है। ये जो एसेट बेचा है ना, 867,000 का था, 12 कुछ का बेच दिया, तो उसका डिफरेंस जो होगा वो गेन आ गया। और बताओ कोई चीज ऐसी जो एडजस्टमेंट की हो, कोई भी चीज एडजस्टमेंट की कोई चीज नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, उसके बारे में दो बातें, कौन कौन सी दो बातें? या नेट प्रोविजन का डिफरेंस ले लो तो प्रोविजन छोड़ दो, और अगर प्रोविजन का डिफरेंस लेना है तो फिर डेटर्स को ग्रॉस करना पड़ेगा। ये हमारे लिए कौन सी बात इस सवाल के अंदर फायदेमंद है? नेट ले देना, वरना क्या होगा, एक दफा प्रोविजन का डिफरेंस लेंगे, फिर अगली दफा इनको वापस ऐड करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। क्योंकि ग्रॉस का मतलब क्या है, नेट का मतलब है माइनस हुए हुए, तो ग्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, ओपनिंग में ओपनिंग प्लस कर देंगे क्लोजिंग में, तो हम नेट डिफरेंस ले लेंगे, प्रोविजन यहां पर नहीं लेते। खत्म करो इसको यहां पर ही। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। लो जी, टेक क्रॉस खेलने वाली बारी आ गई। एक क्रेडिटर, फिर स्टॉक, डेटर्स, बस तीन चीजें। इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में तीन चीजें हैं। क्रेडिटर पहले से कम हुई है ज्यादा? बढ़ गए। कितने से? 6,07,000 क्रेडिटर इंक्रीज। कितने से? 660 या 607? इनफ्लो आउटफ्लो? क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं, लाइबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, एसेट बढ़े तो आउटफ्लो। आगे चलते हैं फिर। स्टॉक कम हो गया, कितने से? स्टॉक डिक्रीज 2,77,000, 2,77,000, 2,77,000। फिर डेटर्स, नेट लेंगे या ग्रॉस? नेट लेंगे। डेटर्स, और आगे ब्रैकेट में लिख भी देना नेट, इंक्रीज या डिक्रीज, 4,87,000 से 6,732 हो गया। कितना डिफरेंस आ गया? 1,845। इनफ्लो या आउटफ्लो? क्योंकि इंक्रीज हुआ। लो मेरे भाई, क्या चीज आ गया? प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या इसका नाम क्या होता था? बोले बोले नाम बोले, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चलें जी,
ऑपरेशन का कैश बताएं। सिक्स डबल सेवन सिक्स के साथ साथ वेरीफाई वेरीफाई करते जाना। अच्छा इस सवाल के अंदर ना तो टैक्स है ना इंटरेस्ट है, लेकिन ड्राइंग्स हैं और ड्राइंग्स के भी तो दो घर हैं, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं या यहां पर। तो क्योंकि यहां कुछ ना लिखने से बेहतर है फिर कुछ खूबसूरती बनाने के लिए सवाल की लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा लेस होंगी। और वर्किंग की भी जरूरत नहीं है, उसने गिवन की हुई है 1,20,000। 312 है, 312। लो जी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 3,656। और ये इसको हम क्या बोल देते हैं, ए लिखना जरूरी नहीं है, बस ऐसे निशानी के तौर पर। आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लो जी मुझसे पहले एसेट का लेजर बनाकर चेक करो एसेट खरीदे या बेचे किसने। जल्दी से एसेट का लेजर बनाओ और ये चेक करो कि एसेट के खरीदने या बेचने की अमाउंट क्या है। और ये आपको सवाल में से नजर आ रहा है, एसेट का लेजर बनाओ और ये चेक करो कि एसेट क्या खरीदना या बेचना कितना है। ये चीजें आपकी नैनो सेकंड वाली होती हैं। आप चाहो तो बुक वैल्यू पे बना लो, चाहो तो कॉस्ट पे बना लो, जिससे भी बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे वैल्यू चाहिए एसेट खरीदने की, कितनी वैल्यू है, क्योंकि बेचने की तो बताई हुई है। आपने ये बताया जो एसेट खरीदा है उसकी कॉस्ट आपने फाइंड करनी, और कोशिश करें कि सबकी बराबर हो, जो कि कभी हुआ तो नहीं। चलें जी जरा चेक कर लें। अच्छा आप लोग ना परेशानी की बजाय फोकस किया करें कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप पीपी का लेजर बनाएं। अब पीपी का लेजर दो तरीकों से बन सकता है, सवाल के अंदर बुक वैल्यू पे भी बनाया जा सकता है और कॉस्ट पे भी बनाया जा सकता है। कॉस्ट पे बनाओगे तो जो आपके पास बैलेंसेस गिवन है ऊपर वो तो नेट है, उसमें से अक्यूमुलेट डिडक्शन जाकर ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट बन जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका आप कह दो आप बहुत ही आलसी हो, आलसी समझते हो, सुस्त हो, आप कह दो नहीं हमने प्लस माइनस नहीं करना, कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए कि डायरेक्ट हो जाए, तो फिर इसको बुक वैल्यू पे बना लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आ गई आपके पास। तो बुक वैल्यू पे कैसे बनाएंगे, आपके पास ब्रॉडोन कितना है क्वेश्चन के अंदर? ये है ब्रॉडोन 1,2,3,4,6, 1,2,3,4,6 000। कैरिडोन कितना है? 1,5,1,7,2,000। आपके पास जो डिस्पोजल है, क्योंकि आप लोग अब बुक वैल्यू पे लेजर बना रहे हो तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू आएगी। अगर ये कॉस्ट पे बना रहे होते तो डिस्पोजल की कॉस्ट आनी थी 867,000। और फिर डेप्रिसिएशन जो आपने फाइंड किया है वो भी इसके अंदर ही आएगी 2,498,000। इसको क्लोज करेंगे जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से आएगा, ये आपका नहीं है 6,1,9,1,000। अब अगर कॉस्ट बनाओगे सेम आएगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि हम लेजर डिफरेंट बनाए तो ये पता चलेगा जी हमने जो एसेट खरीदा है वो और है,
उसमें डेप्रिसिएशन जहाँ नहीं आएगी, डिस्पोजल का भी कॉस्ट पे आएगी, और जो ब्रॉड लोन और कैरी लोन है इसमें डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेशन है वो एड बैक करके करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास एक क्या सवाल हो गया, अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ पीपीई। अच्छा नाम लिखा करो जो सवाल के अंदर गिवन हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 6191000, इनफ्लो या आउटफ्लो, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, जो एसेट बेचा उसका, जो एसेट बेचा उसकी कितनी अमाउंट आई, जो एसेट बेचा 12840000 इनफ्लो, बात समझ लगी। अब कोई और है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2850 से 345, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो ना उसका सिर्फ डिफरेंस ले ले, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको अकाउंट बना ले, सबसे आसान काम। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है को अकाउंट बना लो, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्ट लिख लो। हाँ जी, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1616 से लेके 2545 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इंक्रीज है डिक्रीज है, कितना 9290000। तो इंक्रीज हुआ फिर, ये सारा जीरो से ये हो गया ना, तो सारा इंक्रीज हो गया 4911, 4911000 इंक्रीज है। तो इसके अलावा बताएं कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बातचीत है तो फिनिश। चलें जी बताएं फिर, 9818000 नेगेटिव नेगेटिव बी, कहां पर पहुंच गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैपिटल का लेजर बनाओ जल्दी से, कैपिटल का लेजर बनाओ। कैपिटल का लेजर तब नहीं बनाया जाएगा जब रिटेन अर्निंग का अलग से लेजर बताया, वरना कैपिटल का लेजर बना लिया तो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जल्दी से कैपिटल का लेजर बनाएं और ये बताएं कि बताओ जनाब कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, जल्दी से कैपिटल का लेजर बनाए। हाँ जी मिल गया, कितना 2.33, 233 5450000 हमाद, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कैपिटल का ब्रॉडन कितना है,
2794000 को अभी रहने देते हैं और कैश डाउन कितने हैं 334 ड्राइंग्स गिवन है 3120 नेट प्रॉफिट कितना है 3161 ये लिखने के बाद अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना तो कैपिटल बढ़ गया डेबिट साइड पर आया तो कैपिटल कम अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद कितना 5350 इंक्रीज है या डिक्रीज है इंक्रीज इन कैपिटल कितने से 5450000 उसके बाद ड्राइंग्स तो हम लिख चुके हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना 1616 से 2545 9290000 इनफ्लो आउटफ्लो है इंक्रीज हुआ है आउट लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है 16 16 से 25 45 हुआ है इंक्रीज तो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो क्योंकि जब लॉन कोई भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो कम हो तो आउटफ्लो हाँ जी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 6379 जल्दी से तीनों एक्टिविटी को प्लस करो और बताओ नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन शेयर कैपिटल सॉरी कैश एंड कैश इक्वल नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना 217000 पूरा एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट अच्छा आप इसको ना वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू गिवन है कैश एंड कैश इक्वलेंट की एक ही वैल्यू है तो वर्किंग करने की जरूरत तो 225 ऐड करने ऐड करो कितना आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश 22442 और यहां पर आप देखिए कि आपका आंसर भी वही है 442000 ले लो की बात एंड सवाल देखना है ये हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था और क्लोजिंग के बराबर आपकी दरमियान में क्लास फ्री होती है ना एक नहीं होती चलो नहीं होती इतना